बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए टू जेड न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिस्टर खान। आज की न्यूज़ हमारी एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर ये है कि तेल और गैस के ज़खायर, हमने आपसे कुछ अरसे पहले कहा था कि ये पाकिस्तान में दरियाफ्त हो चुके हैं। अब उसमें से बाकायदा दो कुएँ, उनका तेल शुरू हो गया है, मुल्क में उसकी सप्लाई शुरू हो गई है, और इसके अलावा गैस के ज़खायर भी ज़ाहिर है उधर ही हैं। ये जो ज़खायर और कुएँ मिले हैं, ये एक कोहाट के एरिया में मिले हैं। कोहाट KPK का एक सिटी है, ज़िला है, वहाँ पे ये कुएँ मिले हैं, और वहाँ पे गैस, और इसके अलावा गोटकी, जो कि गोटकी एक गांव है जहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन भी लड़ा था, और वहाँ पे भी गैस और तेल के ज़खायर मिले हैं, और उस पर काम शुरू हो भी गया है, यानी उसकी सप्लाई शुरू हो गई है। अब खुशखबरियां तो मिल रही हैं, लेकिन उस पर मुल्क पे उसका कोई असर सामने नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत जितनी वीक हो चुकी है, जितने लोग उसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं, हुकूमत को चाहिए अब इसका कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज़म बनाए कि लोगों को पता चले कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, और लोगों की ज़िंदगियों पे उसका फ़ायदा होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ ये तेल के ज़खायर निकले हैं तो इसका कोई फ़ायदा है। और भी तेल के ज़खायर क्वेटा में और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं, और उस पर काम जारी है, और पता नहीं उस पर उसकी सप्लाई कब शुरू होगी, लेकिन जब भी शुरू होगी इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसके बारे में इन्फो बताएंगे। फ़िलहाल के लिए यही न्यूज़ थी, इंशाल्लाह और कोई खबर मिलेगी आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।